स्वर्गीय दौलतराव ढवले बहुद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री सत्यसाई विद्या मंदिर द्वारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों ने शानदार नृत्य ड्रामा की प्रस्तुति की है। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में स्वर्गीय दौलतराव ढवले बहुद्देशीय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र ढवले, उद्घाटक पारसमल पगाड़िया फाउंडेशन के चेयरमैन उज्जवल पगाड़िया, प्रमुख अतिथि स्वर्गीय दौलतराव ढवले बहुद्देशीय शिक्षण संस्था के सचिव डॉक्टर राजेंद्र वटाने उपस्थित थे। स्वर्गीय दौलतराव ढवले बहुद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री सत्यसाई विद्या मंदिर द्वारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, जहाँ बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी, जैसे नृत्य ड्रामा। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते स्कूल बंद थे, छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू थी। ऐसे में अब स्कूल शुरू होने के बाद छात्रों में स्फूर्ति लौटाने एवं उनके छिपे कला गुणों को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन श्री सत्यसाई विद्या मंदिर द्वारा किया गया था। बाइट निलेश सोनटक्के। इसी के साथ श्री सत्यसाई कॉन्वेंट द्वारा साल भर विविध कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी किया गया, जहां 10-10 बच्चों को स्कूल में बुलाकर विविध एक्टिविटी की जाती थी। ऐसी जानकारी श्री सत्यसाई कॉन्वेंट के प्रिंसिपल द्वारा दी गई। बाइट श्री सत्यसाई कॉन्वेंट द्वारा बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है, ताकि छात्र समाज में अपना दायित्व बखूबी से निभा सके। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर। आज हमारे स्कूल में सत्यसाई विद्या मंदिर स्नेह सम्मेलन आज हुआ है। यानी 2 साल से स्कूल में कोई बच्चे नहीं आ रहे थे कोविड की वजह से, और इसी वजह से आज का जो स्नेह सम्मेलन हमने रखा है सोनटक्के सर ने, और इतना बढ़िया हुआ। बच्चों ने आज बच्चे घर से बाहर निकल के, यानी पंछी जो बोलते बाहर निकले, तो आज पंछी पूरे बाहर निकल के उन्होंने आज इतनी मजा लिया कि बच्चे खुश और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी खुश, और एक दो ड्रामा भी बहुत बढ़िया बिठाया उसमें। कोविड में जो हाल हुए पेरेंट्स के, वो भी उसमें दिखाया गया है। और इसी तरह ये हमारी स्कूल जो है एक आध्यात्मिक स्कूल है, इसमें बच्चों को अच्छे अच्छे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उनका सर्वांगीण विकास कैसा होगा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते, इसी प्रकार हमारे स्कूल चलते रहते हैं। शाळेचं वैशिष्ट्य असं आहे की इतर शाळांपेक्षा ही जरा शाळा थोडीशी वेगळी आहे, कारण मी या शाळेला जीवनशाळा या अर्थानं म्हणेल, जीवनशाळा या अर्थानं की इतर शाळांमध्ये समजा गणित हा विषय शिकवल्या जात असेल तर गणितात उभी रेष, आडवी रेष, तिरपी रेष असेल, पण या शाळेमध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांना या सगळ्या रेषांबरोबर दारिद्र्याची एक रेष असते आणि ती ओलांडून तुम्हाला पुढे जायचं आहे, हेही शिक्षण आम्ही या ठिकाणी शिकवत असतो। तुम्ही गणित सारख्या विषयामध्ये काटकोन त्रिकोण शिकत असाल, पण या शाळेत काटकोन त्रिकोणाबरोबर आम्ही दृष्टिकोनसुद्धा शिकवत असतो, आणि त्या अर्थानं वर्गात जे घडतं ते समाजात घडत असेल, समाजात जे घडतं ते वर्गात शिकवले जात असेल, अशा पद्धतीचं शिक्षण देण्याचं काम आम्ही या शाळेच्या मार्फत, संस्थेच्या मार्फत करत आहोत, आणि म्हणूनच ही शाळा खऱ्या अर्थानं जीवनशाळा आहे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही पावलं उचलत आहोत। श्री सत्यसाई विद्यामंदिर शाळेमार्फत आम्ही वार्षिक स्नेह संमेलन आयोजित केलेलं होतं, आणि खरं तर या स्नेह संमेलनाचं वैशिष्ट्य असं होतं की गेल्या 2 वर्षापासून लॉकडाऊनमुळे आपण विद्यार्थ्यांना त्याच्या सर्वांगीण विकासाची जेव्हा आपण गोष्ट करत असतो त्यावेळेला त्याच्या अभ्यासाबरोबर त्याच्या इतर कलागुणांना वाव मिळावा हा त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश असतो, पण या 2 वर्षाच्या काळामध्ये मुलांना स्नेहसंमेलनात सहभागी होता आलं नाही, आणि म्हणून आपण त्यांना ते व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न केलेला आहे, कारण विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेले सुप्त गुण, वाङ्मयीन अभिवृत्ती, वैचारिक क्षमता आणि कलात्मक दृष्टिकोन या सर्वांना हक्काचं व्यासपीठ जर कुठे मिळत असेल तर ते शाळेच्या स्नेहसंमेलनात मिळत असतं, आणि म्हणून तशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलं। या कार्यक्रमाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं होतं की आजच्या काळामध्ये मुलांच्या मनामध्ये आई वडिलांविषयी संवेदना जागृत व्हावी तशा पद्धतीचे कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केले। सोबतच कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांच्या ज्या हाल अपेष्टा झाल्या त्याचीही जाणीव
आजच्या पिढीला होत राहावी आणि त्या दृष्टीने आपण पुढची पावलं उचलत राहावी या अनुषंगानं काही जागृतीपर कार्यक्रमही आम्ही या ठिकाणी सादर केलेले आहेत. या शाळेचा असा ध्यास आहे की विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. सर्वांगीण विकास म्हणजे शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक या सगळ्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्यांनी आपली प्रगती करावी. त्या दृष्टीनं आपण आपल्या शाळेमध्ये एक स्पोर्ट्स क्लब स्थापन करतोय. या स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या खेळांचं प्रशिक्षण मिळणार आहे. मग त्यात कराटे असतील, त्यामध्ये स्केटिंग आहे, आर्चरी आहे, गन शूटिंग आहे, हॉर्स रायडिंग आहे, ऑब्स्टॅकल ट्रेनिंग आहे, डान्स आहे, आर्ट अँड क्राफ्ट आहे. या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करून आपण आपल्या शाळेमध्ये हा स्पोर्ट क्लब विद्यार्थ्यांसाठी, शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि शाळेबाहेरच्या सुद्धा विद्यार्थ्यांसाठी हा क्लब आपण सुरू करतो आहे. या क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक विकास निश्चित होणार आहे. माननीय नरेंद्रजी ढवळे सर यांच्या संकल्पनेतनं हा स्पोर्ट्स क्लब आपल्या शाळेत आपण सुरू केलेला आहे. श्री सत्यसाई कॉन्व्हेंट में हमें अभी हाल ही में हमने ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट किया है. तो जहाँ हमारे जितने भी प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी, KG1, KG2, प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट किया था. ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करने के पीछे हमारा मोटो ये रहा है कि लास्ट 2 साल से हमारे सारे बच्चे घर में हैं और 2 साल से उन्हें काफ़ी उत्साह कम हो गया था और साथ ही में टीचर्स के साथ साथ बच्चों पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ी थी. तो इसीलिए हमने सोचा कि ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करते हैं और हमने ग्रेजुएशन डे में पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुलाया, उनको भी काफ़ी इनक्रेज किया, मोटिवेट किया और हमारे सारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं. हमने साल भर में कल्चरल और एकेडमिक्स दोनों प्रोग्राम्स बच्चों के लिए अरेंज किए हैं. बहुत सारे स्कूलों ने कोविड में बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा दी है, हमने वो ऑनलाइन कंटिन्यू रखा है और साथ में हमने 5-5, 10-10 बच्चों को भी स्कूल में बुला के हमने उनका विशेष प्रशिक्षण लिया है. उसके बाद हमने हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है अभी ग्रेजुएशन डे, उसके साथ ही हमने नेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी भी 1st to 9th standard के बच्चों से हमने वो एक्टिविटी करवाई है. अभी जैसे हम सबको पता है कि बहुत सारे एनवायरमेंट में बच्चों को पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बहुत कम हो गया है. तो हमारे बच्चों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने नेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं उनसे नेस्ट बनाए हैं. टोटल 150 नेस्ट हमारे बच्चों ने बनाए हैं और अभी भी हमारे बच्चे घर में बैठ के वो नेस्ट बना रहे हैं.